हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सो आज अपन पढ़ेंगे डिफेंस मैकेनिज्म और आई एम डैम श्योर आपको जल्दी से याद हो जाएगी। सो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। सबसे आप पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद राइट साइड में बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो के अपडेट्स मिल सके। आज अपन पढ़ने वाले हैं डिफेंस मैकेनिज्म। और डिफेंस मैकेनिज्म पढ़ने से पहले मेरी छोटी सी कंप्लेन है आप लोगों से कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं ना, फिर पूरी वीडियो को देखें और अभी जाके सब्सक्राइब करें जिसने नहीं किया है, ठीक है। और पूरी वीडियो देखने के बाद कमेंट करके बताएं आपको वीडियो पसंद है या नहीं है। तो ये कंप्लेन है मेरी छोटी सी, इसको सुधार लेना, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपन पढ़ने वाले हैं अपन डिफेंस मैकेनिज्म के इंट्रो के अंदर बता देता हूँ। डिफेंस मैकेनिज्म किसने दिया था या कोइन फाउंडर है इसका? सिगमंड फ्रॉड ने दिया था डिफेंस मैकेनिज्म। और इसको मॉडिफाइड किसने किया था? एना फ्रॉड ने किया था। डिफेंस मैकेनिज्म होता क्या है एक्चुअली? डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है? एक रेस्पॉन्स होता है किसके लिए? एंजाइटी के लिए क्या होता है? रेस्पॉन्स होता है, या क्या बोलोगे आप, एक डिवाइस होती है जिससे क्या होती है, जो एंजाइटी होती है वो रिलीव हो जाती है, ठीक है। तो मेनली अपन सोसाइटी के अंदर डिफेंस मैकेनिज्म यूज करते ही हैं। तो कौन कौन से ऐसे टाइप्स होते हैं डिफेंस मैकेनिज्म की, जो इम्पोर्टेंट टाइप्स है, तो उनके लिए आज बात करेंगे। और आई एम डैम श्योर आपको आपकी फिंगर टिप्स हो जाएंगे ये याद, और श्योर हूं मैं आपको ये याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले फर्स्ट आप करेंगे डिनाइल, अपन बात करेंगे एक साथ, जो सिमिलर लगते हैं आपको, कंफ्यूजन होते हैं तो उनकी बात करें। डिनाइल, इंटेलेक्चुअलाइजेशन, हम दोनों की बात करते हैं अपन। डिनाइल का मतलब क्या होता है? मना करना। डिनाइल मतलब नाम से इसका मीनिंग जो होता है एक्चुअल होता है मना करना, ठीक है। अब मना करना के अंदर क्या हो गया, अब इसको एग्जांपल की तरह से समझे कि एक पेशेंट को क्या था, एक पेशेंट ओपीडी के अंदर आया, उसको क्या हुआ, उसकी रिपोर्ट में क्या गया कि उसको क्या है, कैंसर है, ठीक है। तो डिनाइल के अंदर क्या गया, एक पेशेंट आया, उसकी रिपोर्ट में क्या गया, उसको कैंसर है। अब वो क्या करता है, उस रिपोर्ट को ले जाके घर जाता है और उसको आसपास के जो डॉक्टर्स होते हैं उनको वो रिपोर्ट दिखाता है। तो दिखाता है तो उसके अंदर क्या बोलते हैं, वो डॉक्टर बोलता है, वो क्या बोलेगा, तुमको भी कैंसर है। पर वो क्यों दिखाता है, कि उसको डॉक्टर पे ट्रस्ट नहीं था, नहीं इसलिए नहीं दिखाता। वो क्या करता है, उस रियलिटी होती है, जो रियलिटी होती है उसको क्या करता है, फेस नहीं कर पाता, उस रियलिटी से क्या बचता रहता है। तो वो फेस नहीं कर पाता इसलिए क्या करता है कि वो दूसरे का ओपिनियन मांगता है। इसलिए डिनाइल के अंदर क्या करता है, एक एग्जांपल के लिए कैंसर पेशेंट ओपिनियन मांगता है दूसरे डॉक्टर से, कब, जब वो डायग्नोस हो जाता है कैंसर से होने के बाद में ओपिनियन मांगता है। तो डिनाइल के अंदर क्या हो गया, परफेक्ट एग्जाम्पल हो गया, मतलब मना कर देता है, वो मना कर देता है। इसका मतलब क्या हो गया, इंकार रहा है, किसको इंकार रहा है, अपनी रियलिटी को, रियलिटी से बच रहा है या रियलिटी को ही इंकार रहा है। तो ये हो गया डिनाइल के अंदर। इंटेलेक्चुअलाइजेशन, नाम से देखो इंटेलेक्ट का मतलब क्या होता है, इंटेलेक्ट का मतलब होता है आईक्यू या फिर बुद्धिमत्ता, जो इंटेलिजेंस है आपकी, जो इंटेलिजेंस है वो होता है इंटेलेक्चुअलाइजेशन, इंटेलिजेंस जो होती है आपकी उसे क्या बोलते हैं, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। अब इसके अंदर मतलब इंटेलिजेंट वाली एग्जाम्पल, इंटेलिजेंट एग्जाम्पल मतलब एक पेशेंट है, अब वो शुगर चेक करवाने गया तो उसको पता चला कि उसको क्या है, डायबिटीज है, ठीक है। अब उसको डायबिटीज, उसको पता लग गया कि उसको डायबिटीज, तो डायबिटीज होने के बाद में क्या करता है, वो घर जाता है, घर जाने के बाद में अपने परिवार वालों से क्या मांगता है, चॉकलेट मांग रहा है परिवार वालों से। क्यों मांग रहा है चॉकलेट, अब देखो उसको क्या हुआ, डायबिटीज मेलाइटिस क्या हुआ, डायग्नोस्ड हुआ, ठीक है। अब फिर भी उसने क्या मांगी, चॉकलेट मांगी, मतलब एक तरह से क्या मांगी, शुगर मांगी। तो ये डिसीजन क्या हो गया, डायबिटीज मेलाइटस को इंकार रहा है, डायबिटीज मेलाइटस को क्या कर रहा है, इंकार कर रहा है, मना कर रहा है। तो इस इंटेलेक्चुअलाइज के अंदर क्या होता है, अवॉइडेंस होती है, अवॉइडेंस। डिनाइल के अंदर क्या होता है, मना होती है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या, अवॉइड कर रहा है, किसको, रियलिटी को अवॉइड कर रहा है। क्या था उसके, डायबिटीज मेलाइटस था, उसने क्या बोला घर जाके कि मेरे को चॉकलेट दो, मतलब शुगर के लिए मांगा। डायबिटीज मेलाइटस का होने के बावजूद उसने शुगर मांगी, उसने डायबिटीज मेलाइटस का होने के बाद में कोई स्पाइसी चीज नहीं मांगी, उसने क्या मांगा, वही चीज जो डायबिटीज मेलाइटस में पेशेंट को अवॉइड करने को कहते हैं, क्या है वो, शुगर। तो इसलिए क्या मांगा उसने, शुगर मांगा। तो ये कैसा डिसीजन होगा, इंटेलिजेंस वाला डिसीजन हो गया,
ठीक है, तो इंटेलिजेंट वे में उसने क्या की, डिफेंस मैकेनिज्म यूज की, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इंटेलेक्चुअलाइजेशन। तो डिनाइल का मतलब होता है मना करना, रियलिटी को मना करता है, इंटेलेक्चुअलाइजेशन में क्या करता है, अवॉइड करता है। इसका एग्जांपल क्या होगा, कैंसर से रिलेटेड, इसका एग्जांपल क्या हो, डायबिटीज वराइटिस से रिलेटेड। इस तरह से याद रखो, आपको इसका डिफरेंस भी याद रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं अपन प्रोजेक्शन और रिएक्शन फॉर्मेशन की, प्रोजेक्शन और रैशनलाइजेशन की, प्रोजेक्शन और रैशनलाइजेशन की। देखो प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन के अंदर याद रखो एक चीज याद रखनी आपको, ब्लेम। रैशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, रैशनल मतलब कारण, ठीक है। प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन से याद रखो क्या, तो रिजेक्शन, रिजेक्ट कर रहा है वो, ठीक है, किसको, जो उसके ऊपर इंजाम लगे हैं, ठीक है, जो इसके ऊपर इंजाम लगे उसको क्या कर रहा है, रिजेक्ट कर रहा है। तो प्रोजेक्शन में रिजेक्ट याद रख लो, प्रोजेक्शन रिजेक्शन ऐसे याद रख लो, या फिर इसका इंपॉर्टेंट है ब्लेम, इसके अंदर क्या करता है, ब्लेम करता है। रैशनलाइजेशन में क्या होता है, कारण बताता है, ठीक है, प्रोजेक्शन के अंदर ब्लेम करता है। याद रखो पेशेंट अल्कोहल का है, अल्कोहल पेशेंट है, जब आप पूछते हो उससे कि आपने अल्कोहल क्यों स्टार्ट किया या फिर आप अल्कोहल क्यों पीते हो, तो क्या बोलता है कि मेरे दोस्तों की वजह से, दोस्तों की वजह से क्या होता है, मैं अल्कोहल पीता हूं, मतलब मेरे दोस्तों की वजह से मेरे को ये अल्कोहल पीने की आदत लग गई है। तो क्या कर रहा है, ये दोस्तों को क्या कर रहा है, उस चीज के लिए जिम्मेदार ठहरा रहा है, या क्या कर रहा है, उस पे ब्लेम कर रहा है दोस्तों को, क्या, अल्कोहल पीने का, कि मेरी आदत अल्कोहल पीने की क्या है, दोस्तों की वजह से कर रही लगी है, तो उससे ब्लेम कर रहा है। तो ब्लेम किस में होगा, प्रोजेक्शन में होगा। सेम पेशेंट अल्कोहल का ही पेशेंट, अल्कोहल का पेशेंट अगर अपनी आदतों का कारण क्या बताता है, कि मेरे परिवार की ऐसी स्थितियां, या फिर मेरी वाइफ के साथ हमेशा झगड़े होते हैं, मेरे परिवार में झगड़े ही चलते रहते हैं, जिन कारणों के कारण क्या कर रहा हूं मैं, अल्कोहल का पीने का आदत हो गई मेरे, या फिर अल्कोहल पीने का आदि हो गया मैं, या अल्कोहल की हैबिट हो गई मेरी। तो क्या कर रहा है, अपनी फैमिली को, अपनी फैमिली को, अपनी वाइफ के साथ में झगड़ों को क्या बताता है, इसके अंदर ब्लेम नहीं कर रहा, क्या बता है, उनका कारण दे रहा है कि इन कारणों की वजह से मैं क्या कर रहा हूं, अल्कोहल पीता हूं। यहां पे इसमें प्रोजेक्शन और रैशनलाइजेशन में इतना ही अंतर है, प्रोजेक्शन के अंदर किसी को ब्लेम किया जाता है, ब्लेम का मतलब है उनको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है, या फिर उनको गलत बताया जा रहा है कि ये इतने गलत है कि इन कारणों की, इन लोगों की वजह से मैं ये गलत आदत मुझ पे पड़ गई। यहां पे केवल रैशनल दे रहा है कि मैं ये चीज गलत करता हूं, इस वजह से करता हूं, ठीक है। सपोज मैं इसके अंदर क्या बोल दिया, कि पढ़ाई मैं नहीं कर पाता, क्यों, कि पढ़ाई का एनवायरमेंट नहीं है, ठीक है, या फिर मेरे फैमिली वाले काम में लगा देते हैं, तो ये क्या प्रोजेक्शन हो गया, ब्लेम कर दिया। यहां क्या बोल रहे हैं, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, जस्ट रैशनल, किसमें, रैशनलाइजेशन, नाम से क्या, रैशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन मतलब ब्लेम, ठीक है, ये हो गया प्रोजेक्शन और रैशनलाइजेशन। डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन फॉर्मेशन की, डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, नाम से देखो, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट मतलब एक चीज उठा के क्या रख दी, दूसरी जगह, डिस्प्लेस कर दी इस जगह को, आपको चीज उठा के रख दी, आपको क्या उठाने, इमोशंस, एक इमोशंस कहां से रख दिए, एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख दिए। मतलब एग्जाम्पल के लिए देखो, कि कोई कंपनी के अंदर आप काम करते हो, वहां पे आपका बॉस है, तो बॉस ने क्या आपको डांटा, तो आपने क्या किया, घर जाके क्या किया, वाइफ के साथ झगड़ा किया, या छोटे भाई के साथ उसको लड़ाई की है, छोटे भाई को पीट दिया, तो किसी का गुस्सा, बॉस का गुस्सा कहां उठा दिया, अपने घर के परिवार के लोगों पे उठा दिया। तो किसी का गुस्सा किसी पे उठा देना, या किसी का गुस्सा किसी पे निकाल देना, एक इमोशंस को कहां, दूसरी जगह रख दिया, तो मतलब डिस्प्लेसमेंट, एक जगह को दूसरी जगह रख दिया मतलब डिस्प्लेसमेंट। रिएक्शन फॉर्मेशन, रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब रिएक्शन, फॉर्मेशन मतलब बनाना, और रिएक्शन, रिएक्शन बनाना, ठीक है, फॉर्मेशन का बनाना, रिएक्शन का रिएक्शन, तो रिएक्शन बनाना, रिएक्शन बनाने का मतलब रिएक्शन कौन सा बनाना, बनावटी रिएक्शन तैयार करना, बनावटी रिएक्शन तैयार करना, इसका मतलब क्या हो गया, रिएक्शन फॉर्मेशन बनावटी रिएक्शन का मतलब हो गया। सपोज आपकी कोई क्रश है, आपको कोई पसंद है, आपकी कोई क्रश है आपको पसंद है, तो आपको क्या दिखाना चाहिए उसके लिए, अफेक्शन, अफेक्शन लव, या फिर क्या बोलना चाहिए उसको, आई लाइक यू, ऐसी चीजें यूज करनी चाहिए, ठीक है। पर आप क्या दिखा रहे हो, अपोजिट रेस्पॉन्स दिखा रहे हो, रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब बनावटी इमोशन, किस तरह का, अपोजिट, तो आप क्या क्या बोल रहे हो, उसके साथ में कैसा व्यवहार कर रहे हो, आई हेट यू, या फिर हेट यू, तो आप क्या उसके साथ में बुरा बर्ताव कर रहे हो, पर आपको दिखाना चाहिए अफेक्शन लव दिखाना चाहिए, ठीक है, मतलब जो इमोशन है उसके अपोजिट आप अगर रिएक्शन कर रहे हो, तो क्या हो गया, रिएक्शन फॉर्मेशन।
ठीक है, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट और रिएक्शन फॉर्मेशन। अब बात करते हैं अपन, तीन चीज आपको याद रखनी है, एक होता है रिप्रेशन, एक होता है रिप्रेशन, एक होता है सप्रेशन, एक होता है रिग्रेशन, रिग्रेशन। ठीक है, रिप्रेशन, रिप्रेशन के अंदर क्या होता है अनकॉन्शियस, रिप्रेशन के अंदर अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियसली आपको किसी चीज को भुलाना होता है। सप्रेशन के अंदर कॉन्शियसली, पहले इन दोनों की बात करते हैं, रिप्रेशन सप्रेशन की बात करते हैं, इसमें क्या अनकॉन्शियसली भुलाना है। सपोज एग्जाम्पल के लिए फाइव ईयर की क्या एक लड़की थी, ठीक है, पांच साल की एक लड़की थी, उसके साथ किसने क्या हुआ अनटच, उसके साथ क्या हुआ टच किया, इंटेंशनली टच किया, इंटेंशनली टच किया, किसने, किसी स्ट्रेंजर ने उसको टच किया, गलत तरीके से टच किया, फाइव ईयर की कोई लड़की थी, ठीक है। अब वो हो चुकी है 25 साल की, 25 ईयर्स की हो चुकी है, तो उसको वो वाली चीज जो 5 ईयर में हुई उसको भी याद नहीं है, ठीक है। क्यों याद नहीं है, क्योंकि क्या हो गया 5 ईयर से 25, 20 ईयर्स हो चुके, मतलब लंबा वक्त हो गया, तो लंबा वक्त हो गया तो उसको वो चीज क्या हो गई धीरे धीरे भूल गई, पर उसने क्या किया यहां पर अनकॉन्शियसली, मतलब उसने उस चीज को भुलाने की कोशिश नहीं की, वो वक्त के साथ में उस चीज को भूल गई। तो अगर कोई अनकॉन्शियसली किसी चीज को फॉरगेट करता है तो क्या बोलेंगे रिप्रेशन। सेकेंड चीज सप्रेशन, सप्रेशन, सप्रेशन के अंदर काम क्या हो रहा है जानबूझकर, कॉन्शियसली काम हो रहा है, कॉन्शियसली के अंदर देखो सपोज एक अभी किसी के अंदर रिसेंटली अगर किसी के साथ एसिड अटैक या फिर रेप जैसे इंसिडेंट हुए तो क्या इन चीजों को बुला नहीं सकते, तो पर फिर भी इस चीज को ये क्या बोलती है यहां पर सपोज एक लड़की है जो क्या बोलती है यहां पर मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब वो जानबूझकर उस इंसिडेंट को भुलाने की कोशिश कर रही है। तो क्या हुआ काम कैसा हो गया कॉन्शियसली काम हो गया, जानबूझकर काम हो गया, ठीक है। या फिर किसी के साथ मिल रही है या फिर कुछ ऐसे इंसिडेंट होते हैं ट्रॉमेटिक इंसिडेंट होते हैं, पर अपन जानबूझकर अगर अपने एफर्ट के साथ उन चीज को भुला रहे हैं तो क्या हो गया काम क्या हो गया जानबूझकर काम हो गया, तो क्या बोलेंगे सप्रेशन। यहां काम कैसा हो रहा था बिना जानबूझकर, यहां पे इंटेंशनली काम नहीं हो रहा था, यहां अपने आप चीजें भूल रहा था, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट भूला जा रहा था, यहां पे जानबूझकर उसको बुलाया जा रहा था। रिग्रेशन, रिग्रेशन के अंदर क्या होता है रिग्रेशन, रिग्रेट के अंदर क्या करना है पश्चाताप, रिग्रेट हुआ पश्चाताप हुआ, इसके अंदर क्या हुआ सपोज दिल्ली एम्स के अंदर कोई, अभी दिल्ली एम्स के अंदर एक नर्स है जिसका प्रैक्टिकल 0 है, ठीक है। अब उसने वहां पे क्या हुआ उसको बोला गया कि ब्लड सैंपल लेके आओ, तो ब्लड सैंपल जब वो लेने गई नर्स तो उसने क्या किया सिरिंज जो निडल थी निडल को उसने ज्यादा प्रिक कर दिया, जितना प्रिक करना चाहते हैं तो उससे ज्यादा कर दिया, क्योंकि उसको नॉलेज थी नहीं, तो उससे क्या हुआ बहुत सारा ब्लड निकलने लगा। अब ब्लड निकलने लगा तो उसको दिख के घबरा गई, उसको अपने आप ही सेल्फ डाउट होने लगा कि यार मैंने, मेरे को इतना भी नहीं आता कि मैं एक तरह से सैंपल भी नहीं ले पा रही, तो क्या हुआ कोने में जाके वो रोने लगी, ठीक है। अब उसका ये व्यवहार कैसा हो गया चाइल्डिश हो गया, मतलब इमेच्योर, कैसा हो गया इमेच्योर एक्ट, कैसा हो गया इसका इमेच्योर एक्शन हो गया, क्योंकि वो कोने में जाके रोने लगी। तो अगर ये चाइल्डिश एक्शन क्या है उसकी, अभी क्या है वो मेच्योर, तो उसके एक्शन क्या हुआ पर चाइल्डिश, तो मतलब प्रीवियस स्टेज में, तो अब वो क्या होगा इमेच्योर एक्ट करने लगे। तो रिग्रेशन के अंदर क्या होता है अगर कोई भी आपने एक्शन किया और वो एक्शन आपका गलत निकले तो, या फिर अपन को लगता है कि आपकी सेल्फ स्टीम नुकसान पहुंचे, तो एक्शन कौन सा होगा इमेच्योर हो गया, तो उसको नाम क्या देंगे रिग्रेशन देंगे, क्या बोलेंगे रिग्रेशन। जैसे स्कूल के अंदर कोई, स्कूल के अंदर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी होती नहीं है, ठीक है, या फिर स्कूल के अंदर परफॉर्मेंस स्पोर्ट्स वगैरह में कोई अच्छा नहीं है, और उसने क्या किया वो जो उसकी एंजाइटी थी वो क्या हुआ अब वो बैड एक्टिंग वगैरह स्टार्ट कर दी उसने, तो वहां की एंजाइटी किसमें निकाल दी बैड एक्टिंग वगैरह करने लग गया। तो ये चीज है मतलब प्रीवियस स्टेज में। अब रिग्रेशन का मतलब क्या हो गया कहां पहुंच गया चाइल्डिश स्टेज में पहुंच गया कब मेच्योर होने के बावजूद भी, तो क्या हो गया रिग्रेशन हो गया। तीन चीजें रिप्रेशन अनकॉन्शियसली बुलाता है, सप्रेशन के अंदर कॉन्शियसली बुलाता है, रिग्रेशन के अंदर प्रीवियस या चाइल्डिश स्टेज में कोई पहुंच जाता है, ठीक है, और एक्ट कैसा करता है इमेच्योर एक्ट करता है, तो क्या हो गया रिग्रेशन हो गया। ये हो गया तीनों चीज।